हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी बीपीएससी ने आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अब देखिए खुशखबरी क्या है, आप इस नोटिस को देखिएगा तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप बिना पढ़े अब शिक्षक बन सकते हैं। इस नोटिस में ऐसा किया गया है कि आप बिना पढ़े शिक्षक बन सकते हैं। बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, आप बिना पढ़े शिक्षक बन सकते हैं। तो आज से आप पढ़ना छोड़ दीजिए। और देखिए नोटिस क्या है, पहले नोटिस देखिए क्या आपका, यहाँ देखिए पहले जो कहा गया था कि आपका न्यूनतम यानी जनरल के आपका न्यूनतम मार्क 40% आना चाहिए, और आपका पिछले वर्ग के लिए आपका न्यूनतम मार्क 36.5% होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 34% होना चाहिए, और आपका अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं और दिव्यांग के लिए आपका 32% आपका न्यूनतम मार्क लाना जरूरी था, पहले अनिवार्य था। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब कहा गया है कि यदि आपको जैसे 32% से कम भी मार्क आ रहे हैं और यदि 75% तक यानी वैकेंसी फुलफिल नहीं हुआ है तो यानी 32% से कम मार्क वाले को भी लिया जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि अब आपका यदि 20 मार्क भी आएगा एग्जाम में और यदि 75% सीट फुल नहीं होगा तो आप भी शिक्षक बन जाएंगे, यानी आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना पढ़े आप शिक्षक बन सकते हैं। एक चीज़ बताइए, आप 20 मार्क लाकर 30 मार्क लाकर कोई शिक्षक बन सकता है, और जो 4 महीने से पढ़ रहा है 5 महीने से दिन रात पढ़ रहा है उसका मेहनत का कोई मतलब ही नहीं हुआ था। अब देखिए अब ये कहा गया है कि 75% यदि सीट भरता नहीं है यानी सीट आपका नहीं भरता है तो आप 34% से कम मार्क भी है तो आप शिक्षक बन सकते हैं, 32% से कम भी है तो आप शिक्षक बन सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यानी यदि 75% से कम सीट फुलफिल होता है तो आपको कम मार्क भी रहेगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। नोटिस का मतलब यही है, कहने का अर्थ आपका यही है। यानी आपका इसमें सबसे अधिक बेनिफिट किसको होंगे, तो फीमेल कैंडिडेट को सबसे अधिक आपका बेनिफिट होंगे, और जो आपका क्लास 9th 10th का जो भी स्टूडेंट है और 11th 12th का जो भी आपका स्टूडेंट है सभी का सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि इसमें आपका कम मार्क भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए आपका 1 to 5 में आपका अभी भी कंपटीशन हाई रहेगा, यानी इसमें आपका कंपटीशन कम होने वाला नहीं है। हाँ, आपका 1 to 5 में गर्ल्स के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट में आपका कंपटीशन आपका कम होगा, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट में आपका यदि मार्क कम भी आता है तो आपका सिलेक्शन तय है। यानी अब जिसको 20 से 25 मार्क भी रहेंगे वो भी आप शिक्षक बन जाएंगे। तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आप रहिए, आप 10 दिन जो समय बचा है 15 दिन आराम से रिलैक्स कीजिए, आप ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आपको 25 से 30 नंबर तो ऐसे आ जाएगा। ये मजाक हम नहीं कर रहे हैं, सही बता रहे हैं आपको, सही बता रहे हैं, क्योंकि आपका 75% आपका सीट ऐसे फुलफिल नहीं होगा, यानी 75% स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो आपका ये 32% 36% 34% मार्क ला सके। इसीलिए बीपीएससी ने यह सोचा कि सीट खाली रह जाएगा, इससे अच्छा है कि हम कम मार्क वाले को भी सिलेक्शन कर दें, यानी उसका सिलेक्शन हमने ले लें। इसीलिए आपको ये आज नोटिस जारी किया है, इसीलिए ये नोटिस जारी किया। अब बताइए जो स्टूडेंट 4 महीना से पढ़ रहा है 5 महीने से पढ़ रहा है, यानी 2 महीने से जरूर पढ़ रहा है आपका, कम से कम 2 महीने से तो पढ़ रहा है, तो इसका मेहनत तो बेकार चला ही गया मेहनत बेकार। अब मान लीजिए कोई 2 महीने से पढ़ रहा है, 3 महीने से दिन रात पढ़ रहा है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम लगेगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, हार्ड आएगा, खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन इसका मेहनत बेकार चला गया। और जो व्यक्ति मान लीजिए अभी आज से पढ़ना स्टार्ट करेगा ना 10 दिन में, वो भी क्वालिफाई हो जाएगा जैसे सिस्टम अभी किया गया है। तो इससे अच्छा था पहले वाला सिस्टम, जो पहले वाला सिस्टम था आपका मार्क के हिसाब पर वैसे ही आप बाहरी ले लेते, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत था, ये ड्रामा ही है। आप बोलने की पहले इतना परसेंट लाइए, फिर करें इतना परसेंट लाइए, फिर करें इसका कट ऑफ आएगा, अब फिर कर रहे हैं कि इतना परसेंट भी लाने की जरूरत नहीं है, आपको यदि कम मार्क भी है ना, 20 मार्क भी है 25 मार्क भी है, यानी 75% यदि सीट फुल नहीं हुआ तो हम आपको ले लेंगे, यानी आपको हम शिक्षक बना देंगे। तो भाई ये ड्रामा करने की क्या जरूरत था, ये आपका एग्ज़ाम यानी पेपर लेने की क्या जरूरत था, पेपर ही नहीं लेते जो पहले वाला सिस्टम था उसी को रहने देते। आप कह रहे हैं कि नहीं बीपीएससी एग्ज़ाम भी लेगा और आप कम मार्क भी पास हो जाएंगे, यानी ऐसे कहा जाए कि आप फ्री में पास हो जाएंगे, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भाई 30 नंबर 40 नंबर किसी को आ जाएगा, 25 नंबर आ जाएगा किसी को, जो नहीं पढ़ा उसको भी 25 नंबर आ जाएगा 120 में, तुक्का भी मारेगा तो आ जाएगा। तो यानी आप समझिए इस एग्ज़ाम लेने का कोई मतलब नहीं है, ये सब ड्रामा कर रहा ऊपर बैठ कर, और कुछ दिमाग में आता नहीं है तो दिन रात संशोधन करते रहता है। देखिए संशोधन अच्छा है, हम मानते हैं संशोधन अच्छा है, लेकिन इतना भी संशोधन नहीं करना चाहिए।
भाई आप पेपर ले रहे हैं, बीपीएससी आप पेपर ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं आपका यदि 40% से भी कम मार्क है फिर भी आपको हम ले लेंगे। अब बताइए जिसको यानी 20-25 मार्क है उसको भी आप सिलेक्शन हो जाएगा, होगा ही, ये मैं आज हम बोल रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा ना तब आप बताइएगा, आप देखिएगा 25 से 30 नंबर जिसका भी आएगा ना उसका भी सिलेक्शन होगा और ख़ास करके फीमेल कैंडिडेट में सिलेक्शन पक्का होगा। तो जो भी स्टूडेंट पहले घबरा रहे थे कि क्या होगा सर नहीं होगा, उसको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार जी ने टेंशन समाप्त कर दिया है। करा टेंशन नहीं लेना है, जब तक वो सरकार में है तब तक टेंशन नहीं लेना है। तो बीपीएससी सोच करके स्टूडेंट सब तैयारी कर रहे थे कि नहीं क्वेश्चन कैसा आएगा, हार्ड आएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा खेल कर दिया लास्ट में कि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना पढ़े ही आप शिक्षक बन सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, इस नोटिस को आप यहाँ से आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ से आप ध्यान से पढ़िए इस नोटिस को पूरा, आपको पता चल जाएगा यानी कहने का उसका अर्थ क्या है। उसका कहने का अर्थ यही है कि न्यूनतम मार्क जो पहले हम बोला गया था उस मार्क ठीक है न्यूनतम मार्क रहेगा, लेकिन यदि 75% सीट यानी फुलफिल नहीं होता है तो इससे कम मार्क वाले का भी सिलेक्शन होगा, यानी इसको भी आप सिलेक्शन हो सकता है। यानी कहने का अर्थ यही है कि आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उतना टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़िए, जब तक एग्ज़ाम है आपका सबका सिलेक्शन होगा, जो जिसको थोड़ा भी नॉलेज है सबका सिलेक्शन होगा, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन 1-5 में जो आपका बॉयज कैंडिडेट है यानी आपका जो मेल कैंडिडेट है उसको थोड़ा सा कंपटीशन हाई होगा, जो मेल कैंडिडेट है 1-5 में उसमें थोड़ा सा कंपटीशन होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले से पढ़ रहा है। फीमेल में कोई कंपटीशन है नहीं है, आपको यदि 30 से 35 नंबर भी आ रहा है तो टेंशन लेना नहीं है, आपका रिजल्ट पक्का है, 100% आपका रिजल्ट होगा, ये हम गारंटी आपको देते हैं। यदि आप 30 नंबर भी लाते हैं तो आपका 100% रिजल्ट होगा, ये गारंटी हम देते हैं आपको। नहीं होगा तो आप जब रिजल्ट आएगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको बताएँगे। होगा जिसको भी 30 नंबर है उसको भी सिलेक्शन होगा, तो टेंशन लेना नहीं है। इससे पहले आपको बहुत टेंशन होता होगा कि सर क्या करे न करे, क्या पढ़े, हमको इतना कमेंट आ रहा था स्टूडेंट को कि क्या करे न करे, तैयारी नहीं है, इतना ही दिन समय दिया है, तो समय आपको कम इसीलिए दिया है तो इसका देखिए आपका सोल्यूशन भी दे दिया, समय कम दिया तो इसका सोल्यूशन भी आपको नीतीश कुमार जी ने कर दिया है, कह रहा है कि यदि आपको 25 से 30 नंबर भी है तो आप शिक्षक बन जाएंगे, तो टेंशन क्यों लेना है। जब तक नीतीश कुमार जी है तब तक टेंशन नहीं लेना है, जब तक टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए यही नोटिस था, हम सोचे आप लोगों को बता देते हैं, एक खुशखबरी था कि आपका खुशखबरी है, आज से आप थोड़ा कम मेहनत करना कि नहीं कम मेहनत कीजिए और टेंशन नहीं लेना है, टेंशन आपको नहीं लेना है, टेंशन लेना ही नहीं है क्योंकि आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। हाँ मेल जो कैंडिडेट है 1-5 में उसको थोड़ा सा टेंशन होगा क्योंकि आपका 1-5 में मेल कैंडिडेट में कंपटीशन थोड़ा हाई है, उसमें थोड़ा सा कट ऑफ अधिक जा सकता है, लेकिन बाकी जो भी है उसमें आपका कोई भी कंपटीशन नहीं है। हालांकि मेल में भी आज के बाद कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आप लोग के लिए यही आपका खुशखबरी सुनाने आए थे कि आप लोग भी थोड़ा खुश हो जाइए क्योंकि सरकार ने आप लोग के लिए थोड़ा सा खुश होने का मौका दिया है, तो खुश होइए, कोई टेंशन लेना नहीं है, सब शिक्षक बनेंगे, सब शिक्षक बनेंगे, टेंशन लेना नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।